देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सिंगरौली जिले के देसर जनपद अंतर्गत जीएसटी के कठोर प्रावधानों के विरोध में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स सिंगरौली द्वारा एसडीएम देसर विकास सिंह को सौंपा गया ज्ञापन, अधिकांश दुकानें रही खुली। आज पूरे भारतवर्ष बंद के अभियान के अंतर्गत सीएआईटी कमेटी की तरफ से आज देवसर में माननीय एसडीएम महोदय के समक्ष ज्ञापन दिए। मैं एसडीएम साहब से जानना चाहता हूँ कि आज ये ज्ञापन किस विषय को ही दिया गया। इस व्यापारी सब की तरफ से एक ज्ञापन आया है जिसमें कहा गया है कि जो सभी जो अपना बजट पेश किया गया उसमें जीएसटी को लेकर जो कुछ नई प्रावधान जोड़े गए हैं उसमें बहुत सी कठिनाइयां व्यापारियों को आ रही हैं और उसको सरल किया जाए, एक मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। हम यहाँ पे कुछ व्यापारियों से बात करते हैं, क्या किन बिंदुओं को लेकर के ज्ञापन आप सब, आपका नाम? तो रवि कुमार जी, ये बताइए कि आज किन विषयों को लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा? जीएसटी के संबंध में ज्ञापन सौंपा। क्या ये जीएसटी की समस्या क्या है? जीएसटी की समस्या क्या है? व्यापारियों को जीएसटी की वजह से बहुत मांग बढ़ती है, सामान भी जीएसटी की वजह से महंगा होता है, इसमें लोगों को बेचने में भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, लोगों को सामान महंगा मिलता है, ये जीएसटी का। आपको क्या नाम? अच्छा, निरंतर आप कब तक आंदोलन करते रहेंगे और क्या क्या मत? जब तक हमारी सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। हम और सज्जन अपने व्यापारी संघ के हैं, आपका नाम? लक्ष्मीकांत गुप्ता। तो लक्ष्मीकांत जी, ये बताइए कि आज किन विषयों को लेकर के आपने ज्ञापन सौंपा और देवसर क्या भारत बंद अभियान में कितनी प्रतिशत सफलता है हासिल हुई? भारत बंद के अभियान में सभी समस्त व्यापारियों का समर्थन है, सभी व्यापारी चाहते हैं कि जीएसटी का जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं जिसकी वजह से कठिनाइयाँ आ रही हैं व्यापारियों को हिसाब किताब रखने में और उससे उसको सरल किया जाए और जीएसटी रिटर्न भरने में जो पेपर वर्क की अधिकता हो गई उसको कम हो और जो टैक्सेशन में कुछ अनुपात गड़बड़ है जैसे सीमेंट में 18 और 28 का अंतर है, इस तरह से इन चीज़ों को दुरुस्त किया जाए जिससे व्यापारियों को और आम उपभोक्ता को भी इसका लाभ मिल सके। ये है आज भारत बंद अभियान के प्रथम चरण में ये जीएसटी के लेकर के पूरे विरोध देवसर जनपद पंचायत के अंतर्गत एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिए और आज इस विषय को लेकर के ज्यादा व्यापारी लोग गंभीर दिखाई दे रहे हैं सिर्फ ज्ञापनों तक, मगर आज यह देखा जाए इसका यदि निराकरण किया जाए तो लगभग देवसर की 80% दुकानें खुली पाई गई जो संभवतः इसका कितना प्रभाव आगे सरकार पे पड़ेगा। मैं कैमरामैन लोलानक मिश्रा के साथ पीएल मिश्रा, के न्यूज इंडिया, सिंगरौली।